फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सेट नंबर टू का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं फटाफट राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन। और इसी वीडियो में इस पीडीएफ के लिंक को मैं दे दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आंसर की के साथ में मिलेगा ये। इसका पासवर्ड इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसको ध्यान देना है, जिसमें आपका पूछा गया है व्हेन वाज द वर्सा पैक्ट साइंड। तो 1955 में किया गया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हेल्ड, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था ये बताना था। तो 1961 में हुआ था। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो येल्सिन जो थे ये इसके राष्ट्रपति थे। उसके बाद में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1948 में हुई थी। कौन आसियन का सदस्य नहीं है, तो श्रीलंका आसियन का सदस्य नहीं है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इस वीडियो में, तो निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। अभी तक तो हमें यही पता चला है भाजपा, अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा सातवां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध है ग्रीन रिवोल्यूशन, स्वामीनाथन से संबंध है इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र निर्माण की चुनौती यानी चैलेंज टू नेशनल बिल्डिंग क्या है। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चुनौती नहीं है, भाषा भी चुनौती नहीं है और संविधान भी चुनौती नहीं है। इसके आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामान्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया। तो नाटो का निर्माण किया गया था। और सोवियत संघ में कितने सदस्य संघीय गणराज्य थे, तो उसमें 15 थे। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी। तो बेलारस जो था इस देश की यात्रा उन्होंने की थी। इसके बाद में आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वें में पूछा गया है, सन 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके निज लिंगप्पा जो थे वो थे। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन जो है, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया जाता है। तो सहायोग गठित किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन है, 1952 से 1967 के बीच में भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। तो कांग्रेस का वर्चस्व था, अब तो कांग्रेस चली गई है, ना के बराबर है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश की सीमा निर्धारित करती है। तो इसके लिए रेड क्लिफ लाइन जो है वो आपका निर्धारित करती है। 16वां है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। 18वां क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो वीपी सिंह जो थे उन्होंने लागू किया था। 19वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन जो है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री चेंज हो तो उसका नाम आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री ही होता है। 21वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। तो वी आर अम्बेडकर जो थे वो थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद में आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। सभी को पता है जम्मू कश्मीर में अभी अभी यह धारा हटाई गई है बीजेपी द्वारा। और 24वां क्वेश्चन है, सन 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। तो मिजोरम जो राज्य था उसका निर्माण नहीं हुआ था, बाकी सबका निर्माण हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सी घोषणा अपनाई थी। तो मानव अधिकारों के सार्वभौमपूर्ण घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके आगे क्वेश्चन है जो आपका 26वां, इसकी बात करें तो इसमें है आपका तृतीय विश्व युद्ध जो है इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज़ द गिवन टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, नौ राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र को क्या कहा जाता है। तो तृतीय विश्व कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 27वां, संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ। तो 1975 में उत्पन्न हुआ। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हु वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975। तो फारूक दीन अली अहमद जो थे वो थे। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। तो सन 1969 में हुआ था, 1969 में। उसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो उनका नाम आपको लिखना है, एंटोनियो गुटरेस।
इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको जो है इस पीडीएफ का पासवर्ड बता दूं, तो इस पीडीएफ का पासवर्ड है 2021 2021। 31वां क्वेश्चन है खालिस्तान भरना है, तो खालिस्तान में आपको द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर पार्टिसिपेटेड इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1964, तो लाल बहादुर भरना है। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ, तो बगदाद पैक्ट के मेंबर जो हुआ था वो। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा खालिस्तान की अनुशंका पर महासचिव की नियुक्ति करती है, तो सेक्रेटरी काउंसिल की नियुक्ति करती है, ठीक है, इसका आंसर सेक्रेटरी काउंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सुरक्षा परिषद बोल सकते हैं हिंदी में। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट 34वें क्वेश्चन की, तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर हस्ताक्षर किया था, तस्कंद समझौता हुआ था इनके बीच में। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत खालिस्तान की देन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना की ये देन है। उसके बाद में 36वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रधानमंत्री बनने के बाद खालिस्तान ने एक बार भी संसद का मुँह नहीं देखा, तो चौधरी चरण सिंह ऐसे सदस्य हैं वो। 37वां क्वेश्चन है शीत युद्ध काल में नाटो का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था, अमेरिका द्वारा इसको गठित किया गया था। इसके आगे हम बात करें राज्य पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान थे, तो फजल अली जो है उनको आपको लिख देना है उनका नाम और याद भी रखना है आपको। उसके बाद में फाइनेंस इज ए खालिस्तान मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो परमानेंट जो है ये फ्रांस है, सॉरी फाइनेंस बोल रहा हूँ, फ्रांस है जो वो आपका परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य है। और रेल हड़ताल खालिस्तान में समाप्त हुई, तो सन 1974 में रेलवे स्ट्राइक को एंड किया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, इसके आगे के सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप पासवर्ड से खोल सकते हैं। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, पासवर्ड है आपका 2021 2021। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।